तो आज हम रिव्यू करने वाले एक कंपनी का जिसका आपने सोशल मीडिया पे शायद बहुत ज्यादा ऐड देखा हो, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आपकी फीड में भरा रह जाता है लड़कों के लिए, और काफी देखने में कपड़े स्टाइलिश लगते हैं। मुझे लग रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये है स्निच की दो शर्ट्स का रिव्यू, और हमने काफी मतलब सोच विचार करके ये शर्ट्स मंगाई, दोनों स्निच की हैं, देख लीजिए। तो लव एंड लिव फॉरएवर यंग कलेक्शन, लव एंड लिव फॉर एवर जिन कलेक्शन, लार्ज साइज है, और दोनों शर्ट्स पहन के धो के फिर इसका रिव्यू कर रहे हैं, ताकि ये ना रहे कि धुलने के बाद कैसी होगी, वो सब झंझट से बचे रहे। स्निच के वो फास्ट फैशन ब्रांड बनाया था, फास्ट फैशन मतलब जो तुरंत चेंज होता है, 2 हफ्ते डिजाइन रहेगी, 2 हफ्ते बाद कोई नई डिजाइन आ जाएगी, उसके बाद कोई और डिजाइन आ जाएगी। हमने ओल्ड मनी ब्रांड का भी रिव्यू किया, जो कॉल्ड ओल्ड मनी ब्रांड, वो है बॉम्बे शर्ट कंपनी। अगर आप स्निच का रिव्यू देख रहे हैं तो सबसे पहली चीज कि कपड़ा कॉटन नहीं है, विस्कस है, और ये मिक्स है, कोई पॉली कॉटन है, कॉटन और पल्सर मिक्स, लेकिन कपड़ा अच्छा है, स्किन पर अच्छा फील होता है। रेट के हिसाब से मेरे ख्याल से ये शर्ट मुझे पड़ी थी 1100-1200 रुपये के आसपास की, एक शर्ट पड़ी थी और एक शर्ट पड़ी थी ये शर्ट। तो ये देख रहे हैं इसकी डिज़ाइन काफ़ी पंकी सी यंग जनरेशन वाली डिज़ाइन है, और स्निच इसी तरह का ब्रांड है। अगर आप फॉर्मल शर्ट्स वगैरह देख रहे हैं तो उसमें आपको बेहतर ऑप्शन दूसरी जगहों पर मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर आपको यंग थोड़ा सा वाइब्रेंट गोवा हुआ वाली चाहिए और अच्छी क्वालिटी है। ये फास्ट फैशन का मतलब ये नहीं है कि आप 2 बार धुल के कपड़े खराब हो जाएंगे, दोनों कपड़े मैंने बहुत इस्तेमाल किए, कई बार धो के भी देख चुका हूँ, और कलर वगैरह चीज़ें अच्छी बनी हुई हैं। और बाकी जो पैसा बचता है इनका, किन चीज़ों में बचता है, जैसे बटन्स जो हैं ज़्यादातर जो बाकी कंपनियाँ होती हैं उनमें वो होता है, उन्हीं की कंपनी के बटन होते हैं, और एक्स्ट्रा बटन आपको नीचे मिलते हैं, वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, पाइपिंग भी बहुत खास नहीं है। तो जहाँ पर पैसा बचा सकते हैं ये लोग बचाया है फास्ट फैशन के नाम पर। और इनकी दूसरी समस्या ये है कि एक चीज़ जो आपको आज दिख रही है, अगर वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो फिर हो सकता है 15 दिन बाद आपको दोबारा कभी ना मिले वो, ये स्टिच की दूसरी समस्या है। लेकिन जीन्स और ट्राउजर वगैरह अगर आपके साइज में, तो मेरी लंबाई जैसे मुझे नहीं मिलते हैं, तो आप वो पहन सकते हैं। कुल मिला के अच्छा ब्रांड है, और ये कतई पेड रिव्यू नहीं है, मैं बता दूँ, ये पूरी तरह से अपने पैसे खर्च करके किया गया रिव्यू है। और इस तरह का कुछ ट्राई करना चाहते हैं, मैं फॉर्मल्स पहनता हूँ करता हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग डिफरेंट वाइब्रेंट करना था, मैंने ये शर्ट्स खरीदी। और विस्कस जो फैब्रिक है, अगर आप इसमें जाएं, मेरी बात माने और इस तरह का कुछ खरीदना चाहें, तो एक शर्ट विस्कस की जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत तेज गर्मी नहीं पड़ रही हो तो अच्छी लगती है। और ये जो क्यूबन कॉलर शर्ट बोलते हैं इनको, जो इस तरह का कॉलर होता है आजकल खूब फैशन में है, और ये सॉफ्ट कॉलर होता है, विस्कस काफी अच्छा लगता है। बाकी इनकी और डिजाइन हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में स्निच का, देख सकते हैं, स्टाइलिश और थोड़ा सा फंकी और थोड़ा सा कैजुअल लुक के लिए आराम से अपना कर सकते हैं। लेकिन मुझे स्निच से अच्छा एक ब्रांड मिला, जिस और जो टाटा का एक ब्रांड है, ज़ुडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा 100-200 रुपये ज़्यादा पर पीस आप रेट रखिए, और बेहतरीन मुझे जो मतलब ना मन की मुराद पूरी होगी वो मिला। वो ब्रांड कौन सा है बात करेंगे अगले वीडियो में। और जिसको ओल्ड मनी इंस्टाग्राम फ्रेंडली वाइब वाला ब्रांड चाहिए तो वो बहुत अच्छा ब्रांड है, अगले वीडियो में बात करें। नमस्कार, धन्यवाद।